दोस्तों आज ये उस इंसान के लिए वीडियो बनने वाला है जो अपने लाइफ में कुछ करना चाहता है। दोस्तों अगर आप रुपया बनाने में बिलीव करते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए। स्मार्ट काम करिए और पैसा कमाइए। मेहनत तो दुनिया कर रहे हैं, सभी पीछे हैं, आपको आगे बढ़ना है। कम मेहनत में रुपया कमाना चाहते हैं तो ये वो मशीन है जो आपको अच्छा रुपया कमा के देने वाली है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी हम इस मशीन को देखेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ओवरव्यू दिखाऊंगा इस मशीन के बारे में, क्या क्या चीज़ें इसमें अवेलेबल होती है, और साथ ही साथ मैं आपको कंप्लीट मशीन को गाइड करूंगा। और साथ ही साथ में दोस्तों आप ये देख सकते हैं, ये वो मटेरियल है जिसका हम लोग फीस का अभी फीडिंग बनाएंगे किस प्रकार का होता है। ओके, और साथ ही साथ में दोस्तों आपको ये भी बताएंगे कि इस मशीन में क्या क्या चीज़ें आपको मिल जाती हैं, ताकि दोस्तों आप इजीली हर चीज़ जान सकें। तो मैं जो मेरे कैमरा मैन है इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार पूरा मशीन का ओवरव्यू कराएं दोस्तों आपको, ताकि आपको एक आइडिया आए। दोस्तों ये पहली मोटर है और मोटर पे आपने देखा ये एरो बना हुआ है। मोटर इस तरीके से आगे की तरफ घूमनी चाहिए, इसके लिए एरो बना हुआ है। तो ये जो मोटर है ये हाफ HP का है। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे ये कटर वाला ऑप्शन है, यहाँ पर कटर मैनेज की जाती है जिससे कि आप साइज़ मैनेज कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे ये हीटर है, जहाँ पर मटेरियल आने के बाद यहाँ पर हीट होता है और आगे फॉरवर्ड होता है। दोस्तों ये है दूसरा जो होपर है, वो है यहाँ पर भी मटेरियल ऐड होता है और यहाँ से मटेरियल गिरने के बाद वो आगे जाता है। अभी दोस्तों ये सबसे बड़ा यहाँ पर आप देख पाएंगे ये बड़ा होपर है, यहाँ पर हम पूरा मटेरियल लोड करते हैं और यहाँ से लोड होने के बाद वो मटेरियल वन बाय वन आगे जाता है इस थ्रू। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें वन बाय वन आगे जाती है। ओके, अभी दोस्तों यहाँ पर आप आइए, मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा कि इस मशीन में किस किस प्रकार की मोटर है। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे ये 5.5 HP की मोटर यहाँ पे दी जाती है, और साथ ही साथ में आपको दूसरी मोटर जो मिल जाती है ये 1.5 HP की मोटर यहाँ पर मिल जाती है, और जैसे हमने देखा आगे वो 0.5 HP का मोटर रहता है। तो इस मशीन में आपको टोटल 3 मोटर्स मिल जाती हैं जिसके थ्रू ये मशीन एक्टिवेट होती है और चलती है। अभी दोस्तों ये पैनल है, इस पैनल के थ्रू आप हीटर को मैनेज कर सकते हैं, मशीन की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें अभी हम आगे देखेंगे किस प्रकार से काम करती हैं, और टेक्निकल जो पर्सन है वो सारी चीज़ों को बताएंगे। अभी दोस्तों थोड़ा सा मैं ओवरव्यू आपको बता दूं कि यहाँ पर जैसे आपको कटर को बंद चालू करना है तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं, आपको हीटर बंद चालू करना है तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे 1 HP का जो मोटर है उसको बंद चालू करना है, यू कैन डू दैट, ठीक है। और यहाँ पर ये पूरी चीज़ें वन बाय वन आपको गाइड करेंगे, और साथ ही साथ में दोस्तों आपको यहाँ पर आप देख पाएंगे ये सारी टेक्निकल चीज़ें हैं, ये जब जो टेक्निकल पर्सन होंगे वो थोड़ा सा आपको गाइड करेंगे। तो दोस्तों ये था पूरा एक ओवरव्यू जहाँ पर मैं आपको पूरा मशीन के बारे में बता रहा था किस प्रकार से मशीन है, और आने वाले अभी पूरे वीडियो में मैं आपको इस मशीन को चला के भी दिखाऊंगा, ताकि आपको कंप्लीट आइडिया आए प्रोडक्शन किस प्रकार से निकाला जाता है, और मशीन चालू करते समय बंद करते समय क्या क्या चीज़ों पर ध्यान रखा जाता है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों ये था ओवरव्यू, चलिए अब बात करते हैं मटेरियल किस प्रकार का है, क्या चीज़ें उसमें ध्यान रखी जाती है, उसके लिए हम बात करते हैं। Stay tuned. तो दोस्तों ये है वो मटेरियल जिसको अभी हम लोग इस मशीन में डालेंगे और आपको बताएंगे किस प्रकार से यहाँ पर प्रोडक्शन निकलता है। और दोस्तों यहाँ पर ये मॉइस्चर मशीन है जिसके थ्रू हम लोग मॉइस्चर जान सकते हैं कि इसमें कितना मॉइस्चर अवेलेबल है। तो दोस्तों सबसे पहले तो इसे आपको ऑन कर लेना है, जैसे कि यहाँ पर पावर बटन आपको दिख रहा है, पावर बटन पर आपको इस तरीके से दबा देना है तो आपका ये मॉइस्चर वाला मशीन ऑन हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आप जब मटेरियल का प्रोडक्शन निकालने वाले हैं तो आपको इस तरीके से मुट्ठी को बंद कर लेना है, और साथ ही साथ में इस तरीके से आपको यहाँ पर प्रेस करना है। तो दोस्तों देख पाएंगे आप यहाँ पर जैसे कि 34 अभी यहाँ पर आ रहा है, ओके। और दोस्तों आपको जो इसकी लिमिट रखनी है वो 35 to 38 के बीच का मॉइस्चर होना चाहिए, ताकि दोस्तों आपका जो प्रोडक्शन है बहुत ही हाई क्वालिटी प्रोडक्शन आए, इसके लिए मैनेज किया जाता है, ओके। दोस्तों एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, आपको इस तरीके से मुट्ठी को बंद कर लेना है, और आप देख सकते हैं अभी 0-0 दिखा रहा है, आपको जस्ट यहाँ पर इसे इस तरीके से प्रेस करना है, ताकि दोस्तों आपको एक रियल मॉइस्चर ख्याल आए कि ये मटेरियल में कितना मॉइस्चर अवेलेबल है। मॉइस्चर आपको रखना है 35 to 38 के बीच में आपको रखना है, ओके। तो दोस्तों यहाँ पर अभी मटेरियल बिल्कुल परफेक्ट है, और अभी हम लोग आगे देखेंगे किस तरीके से इसका प्रोडक्शन निकाला जाता है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो दोस्तों ये था मॉइस्चर मशीन जो कि इस मशीन के साथ में आपको मिलने वाला है, और अभी हम आगे की भी बात करेंगे मशीन में आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं टूल किट के थ्रू, वो सारी चीज़ों पे डिस्कशन करते हैं। दोस्तों इस मशीन में आपको क्या क्या चीज़ें फ्री में मिलती हैं वो सारी चीज़ें देखते हैं, क्योंकि मशीन में बहुत सारे टूल्स आपको फ्री में मिल रहे हैं। तो दोस्तों जैसे हम बात करें, यहाँ पर सबसे बड़ा जो टूल है
ये है आपका ग्रीस पंप, यानी इसे ग्रीस गन कहा जाता है। जो भी ग्रीसिंग करना होता है इसके थ्रू आप कर सकते हैं मशीन में। साथ ही साथ में दोस्तों आपको इसका नोज़ल वगैरह मिल जाता है, यहाँ पर आपको दो नोज़ल मिलते हैं। और साथ ही साथ में दोस्तों आपको यहाँ पर डिसमिस वगैरह मिल जाता है, और यहाँ पर आपको चार कटर फ्री में मिलती हैं। अगर आपको उसको रिप्लेस करना है, चेंज करना है, तो आप कर सकते हैं। साथ ही साथ में दोस्तों यहाँ पर एलन की आपको मिल जाता है, यहाँ पर ये बड़ी एलन की है, छोटी एलन की। और साथ ही साथ में आपको टेस्टर वगैरह मिलता है, ये भी आप चेक कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों आपको यहाँ पर 15 नंबर, 16 नंबर, साथ ही साथ में आपको 17 नंबर, 19 नंबर, 23 नंबर, 21 नंबर का आपको यहाँ पर रिंग पाना मिल जाता है। साथ ही साथ में आपको फिक्स पाना भी यहाँ पर मिल जाता है। और यहाँ पर आप देखेंगे छोटे से लेके बड़े तक के सारे यहाँ पे पाने आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। दोस्तों हम दूसरी बात करें, यहाँ पर आपको एक मॉइस्चर मीटर भी मिल जाता है, जिससे कि आपके मटेरियल का मॉइस्चर आप देख सकते हैं कितना है। जस्ट आपको पावर बटन दबाना है, आपके ये चालू हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर ये था मॉइस्चर मीटर। अभी हम चलेंगे, देखेंगे इस मशीन के थ्रू क्या मटेरियल बनता है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ताकि दोस्तों आपको आइडिया है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रहा वो मटेरियल जो कि हम अभी मशीन के थ्रू आपको बनाकर दिखाएंगे, ताकि दोस्तों आपको पूरा एक प्रोसेस ख्याल आए। और आगे जाके मैं इसकी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में भी बात करूँगा, ताकि दोस्तों आप इसकी और भी ज़्यादा जानकारी ले सकें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं किस प्रकार से मशीन चलाया जाता है, ताकि आपको कम्प्लीट आइडिया आए। सो दोस्तों इस मशीन के थ्रू हमने अभी ये प्रोडक्शन में निकाला हुआ है, आप देख सकते हैं बहुत ही हाई क्वालिटी मटेरियल यहाँ पर हमने निकाला है। और दोस्तों अगर हम बात करें इस मशीन के थ्रू जो भी आप मटेरियल निकाल रहे हैं उसका बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है, तो दोस्तों ये जो मटेरियल है ये फिश के लिए यूज़ होता है। जैसे कि अलग अलग प्रकार की फिश आती है, रोहू फिश हो गया, साथ ही साथ में आप बात करें तो रोहू, भाकुर, सिल्वर, जो भी अलग अलग प्रकार की फंगस फिश आती है, ये सारी ही चीज़ें इस मशीन के थ्रू यहाँ पर बनाई जाती है। और दोस्तों अगर हम बात करें तो मार्केट में बहुत ही ज़्यादा डिमांड है इस प्रोडक्ट का, और ये प्रोडक्ट आप सेल करके काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और दोस्तों इस मशीन की बात करें तो इस मशीन की कैपेसिटी बहुत ही हाई है, आप यहाँ पर मटेरियल ऐड करते जाइए, एक घंटे में आपको 40 से 50 किलो का माल ये आपको निकाल कर दे देती है। दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर टेक्निकल के तौर पे बताना चाहूँगा, इस मशीन में आपको ग्रीसिंग करने के लिए सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, और आपको जस्ट वहाँ पर ग्रीसिंग करते रहना है। और दोस्तों मेंटेनेंस की बात करें तो ना के बराबर इस मशीन का मेंटेनेंस है, सिर्फ आपको यहाँ पर चालू करते हुए, बंद करते हुए आपको ध्यान रखना है मशीन को, और क्या चीज़ें बंद करनी है, चालू करनी है, वो सारी चीज़ें भी हम डिस्कशन करेंगे और आपको बताएंगे, ठीक है। दोस्तों जैसे कि अगर आप मशीन बंद करते हैं उस समय पे आपको पानी यहाँ पर डालना है, पानी यहाँ पर डालने के बाद यहाँ से वो मटेरियल निकल जाएगा और आपकी मशीन क्लियर हो जाएगी। और साथ ही साथ में जो टेक्निकल पर्सन आपके वहाँ पर आएंगे वो भी आपको पूरी गाइडलाइन देंगे, कैसे इसको सेटअप करना है, कैसे इसे चलाना है, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेंगी,
ओके अभी दोस्तों अगर हम बात करें तो इस मशीन के थ्रू कौन कौन बिजनेस कर सकता है। दोस्तों हम बात करें तो यहाँ पर अगर आपका फिश फार्मिंग का बिजनेस है तो दोस्तों ये मशीन आपके लिए एक वरदान साबित हो जाएगी, जहाँ पर आप को मार्केट से फिश खरीदने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट से आपको फिश का दाना खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आपको जस्ट ये मशीन को लगाना है और आपका मटेरियल निकाल के आप काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे, जो कि आपको मटेरियल में दूसरे जो लोग कर रहे थे वो चीज़ यहाँ पर ना करना पड़े और ये चीज़ें आप करके इसमें अच्छा खासा मुनाफा कमा पाएंगे। दोस्तों अगर हम बात करें तो ये मशीन क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए, दोस्तों अगर आप मटेरियल ही सिर्फ सेल करना चाहते हैं तो इस मशीन के थ्रू आप मटेरियल निकालिए। बहुत जगह पर दोस्तों ये मशीन अवेलेबल नहीं है, अभी मार्केट बहुत ही तेज़ है, यहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा है। अगर आप ये मशीन लगाते हैं मटेरियल निकाल के भी आप सेल करेंगे तो बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। दोस्तों अगर आपको किसी प्रकार का क्वेरी क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ऊपर दिए गए नंबर पर कॉल करिए अगर आप ये मशीन बाय करना चाहते हैं, और अगर आपके माइंड में इस मशीन के लिए या बिजनेस के लिए कोई भी क्वेरी है हमें कॉल करिए ताकि हमारी टीम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे सके। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आगे किस प्रकार की प्रोसेस है, और अगर आपको बिजनेस आइडिया और इसी प्रकार की नई नई मशीनरी देखने का अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को ताकि इसी प्रकार की नई नई वीडियोज़ आप देख सकें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद मी, थैंक यू।